हाय फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। ए टू जेड मेट्रो कार ड्राइविंग, मैं प्रोफेसर कार ड्राइविंग स्कूल संतोष कुमार। और आज हमारे साथ में आज नए क्लाइंट जुड़े हुए हैं जी। आपका क्या नाम है? शाम भोगी। आपको कितने डेज हुए कार चलाते हुए? अभी ऑलमोस्ट 7-8 दिन। जी, कैसा फील कर रहे हैं कार चलाने में? सबसे बढ़िया बात यह है कि ड्राइविंग सीखने के बाद मैं कहीं भी आराम से जा सकती हूँ अपना अलोन टाइम। थैंक यू फॉर दैट, सिखाने के लिए। गियर वेयर आई थिंक मैंने सेकेंड या थर्ड डे में ही गियर चेंज करना थर्ड गियर तक बहुत ईजी सीख गया, तो मज़ा आ रहा है। आप कौन सा रोड पे हैं इसमें? हम लोग अभी CMS की तरफ जा रहे हैं, दयाल पैराडाइज वाली रोड पे हैं। अच्छा जी, अभी हम लोग एक्सटेंशन की तरफ जाने का सोच रहे हैं, डिसाइड करेंगे। अब फर्स्ट गियर डालना पड़ेगा। टेस्ट दबाइए, पूरा पूरा क्लच आप बढ़ाइए। नहीं, तीसरे गियर में अब तो गाड़ी बंद हो जाती है क्योंकि ज़्यादा स्लो हो गई थी ना फिर। अब मैंने सेकंड गियर डाला, देखिए उसका पावर क्या बता रहा है। आप तीसरा गियर डाल दीजिए। आपको यदि लेफ्ट का जजमेंट लेना होगा तो कैसे लेंगे, कुछ पता चलता है? लेफ्ट क्या? लेफ्ट का जजमेंट मतलब इस साइड का, अगर जो आपको डिफरेंस समझना होगा कि किसी चीज़ में कैसे टच करें तो कैसे पता चलेगा। कौन सा जजमेंट, कैसे? ये इधर का मतलब आपका टच करेगा तो कैसे पता चलेगा? पता नहीं, हमको कैसे पता चल जाता है ये भी नहीं पता है। ये नहीं पता कैसे, मतलब ये मिरर है, तो ये मिरर है। दूसरा, आप खुद इतने कॉन्शियस रहते हो, मेरा हाइट उतना है कि मैं देख सकता क्योंकि आगे वो आगे सभी लोग लाइन खींच लगी हुई है, प्लस वो आपका वो लगा हुआ है, उससे ज़्यादा पता चलता है। और ये पिलर भी मतलब बहुत साथ देता है कि पिलर से हम लोग अंदाज लगा सकते हैं। आज हम सोच रहे पत्रकार सर साइड ज़्यादा चलाएं, मतलब ज़्यादा मतलब ये नहीं तो घुमा के निकाल लीजिए, तब चलते हैं पत्रकार। सीधा जी, सीधे पत्रकार आ जाएगा। आगे से घुमा के लाएंगे तब तक ये रेलवे। कहाँ से? यही राइट से। आगे से चलिए, बता देता हूँ। थोड़ा सा घुमा के लाएंगे तब तक ये रेल वगैरह निकल जाएगी और रेलवे क्रॉसिंग भी खुल जाएगी, और तब तक के लिए यहाँ पे वेट नहीं करना पड़ेगा। उनका नाम कट गया है, एडमिशन खत्म जी। क्यों? समय पूरा हो गया था उनका, फर्स्ट ग्रेड आई। क्योंकि उनका ऐसा सिस्टम था कि आज भी मतलब 3 जगह गाड़ी नाली में गिरने से बची है, और मैं ऐन वक्त पे ब्रेक ले लेता था कि हम आपको सबक दे सके कि अगर हम ब्रेक न मार लेते तो आपका क्या होता है। कुछ नहीं सीख पाता वो, तभी 22-23 साल का। एक्सेलरेटर दबा लीजिए पूरा और ठीक है बढ़ा लीजिए, जैसे कि कार रुकने के चांस पे आती है। पूरा क्लच दबा लिया कितना, ठीक है? अब पूरा क्लच दबाइए, पूरा क्लच। मैंने क्लच दबाया होगा, पढ़ाइए स्टार्ट करिए।
ऐसे पे मैंने क्लच दबा के रखा था और आपको पहले से क्लच ले लेना चाहिए था। मैंने क्लच लिया था, आप बाद में लिए। अच्छा, तो उससे पहले लेना चाहिए था। इधर ले लेते हैं, इधर कट कर। अच्छा, आप हमेशा क्लच दबाते हैं क्या? जब आप नहीं दबाते तो मुझे दबाना पड़ता है फिर। मैं दबाती हूँ। नहीं, आप बाद में दबाते हैं। तीसरा गियर, 30 पे तीसरा गियर लगाना चाहिए। 30 पे जी, ठीक है। ऊपर जी, फर्स्ट गियर कितने का होता है? 0 to 0 to 10 से 15 प्लस। आगे से जहाँ से वो बाइक जा रही है वहाँ से।